सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? आई होप फ्रेंड कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कुछ इस टाइप की एडिटिंग करने वाला है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ इस टाइप की एडिटिंग करना है तो वीडियो पे आप इन तक बने रहिएगा और वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम इसे करते हैं शुरू। तो आपको सिंपली पिकर्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपना पिकर्स एप्लीकेशन ओपन कर लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पिकर्स एप्लीकेशन ओपन हो गया। तो सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से एडिट फोटो पर क्लिक करना होगा आपको, और आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहा कि हम बैकग्राउंड को कर लेंगे ब्लर। तो इफेक्ट वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ब्लर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको फिर से ब्लर पे क्लिक करके ब्लरनेस आपको 25 कर देना होगा फ्रेंड्स। 25 करके सिंपली आपको यहाँ से कर देना होगा डन। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आ गया। सेकेंड स्टेप ये रहा फ्रेंड्स कि इसमें मॉडल इमेज अपना ऐड कर लेना है। तो ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ से आपको मॉडल इमेज यहाँ से ऐड कर लेना है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा मॉडल इमेज, इसको हम कर लेंगे ऐड। फ्रेंड्स, इसको बैकग्राउंड से हम रिमूव कर दिए हैं। अगर आपको नहीं पता कि फोटो को बैकग्राउंड से रिमूव कैसे करते थे, इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो का लिंक दे दिए हैं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार आपको एडजस्टमेंट कर लेना होगा। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिंपली आपको यहाँ से कर देना होगा डन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मॉडल में कुछ इस प्रकार का एडजस्टमेंट हो गया। सिंपली आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना होगा और टी शर्ट का कलर वाइट कर लेना होगा। तो यहाँ से इस वाले पीएनजी को हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ से कुछ इस प्रकार आपको ऐसे जूम कर देना होगा इस प्रकार, और आपको यहाँ से ब्लेंडिंग मोड पर जाना होगा, जिसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना होगा, स्क्रीन कर देना होगा, और इसका ओपिस डिफरेंस आपको इसे ओपेसिटी आपको रख देना होगा 70 के आसपास के समझ में। इरेज वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ से आपको इन्वर्ट कर देना होगा, फिर से आपको रिस्टोर टी शर्ट पर कर देना होगा कुछ इस प्रकार जूम करके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा इसको जल्दी से कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इसका ओपेसिटी आपको हल्का से माइनस कर देना है 40 के आसपास रखना है फ्रेंड्स आपको। फिर से आपको इरेज वाले आइकन पर क्लिक करना है और जहाँ जहाँ छूटा है फिर से आपको रिस्टोर कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा इसको जल्दी से कर लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना होगा फ्रेंड, और फिर से आपको हल्का से ओपेसिटी इसका माइनस कर देना है थोड़ा और 36 के आसपास रख के सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टी शर्ट कलर में वाइट इफेक्ट आ गया। फिर फ्रेंड्स, आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना होगा, अपना टी शर्ट का कलर तिरंगे कलर का एडिटिंग कर देना होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा तिरंगा वाला PNG। इसको फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट करके इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे। तो ब्लेंड वाला आइकन क्लिक करना होगा आपको, यहाँ से आपको मल्टीपल कर देना होगा। और यहाँ से कुछ इस प्रकार आपको इरेज वाला आइकन क्लिक करके इन्वर्ट कर देना होगा फ्रेंड्स, और फिर से आपको रिस्टोर कर देना होगा टी शर्ट पे। चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा इसको जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ से डन कर देना होगा। सिंपली आपको फिर से यहाँ पे ऐसे डन कर देना होगा। देखिए फिर से टी शर्ट का नीचे वाला पार्ट्स छूट गया, तो फिर से आपको ऐड फोटो पे जाना होगा और फिर से PNG आपको फिर से ऐड कर लेना होगा। ये रहा फ्रेंड्स PNG। इस वाले PNG को कुछ इस प्रकार यहाँ पे ऐसे ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे, फिर से इसको मल्टीपल कर देना होगा, और कुछ इस प्रकार आपको नीचे के साइड में ऐसे इफेक्ट दे देना होगा। फिर से आपको इरेज वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, इन्वर्ट कर देना होगा फ्रेंड्स, फिर से आपको वहाँ पे रिस्टोर कर देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस प्रकार का हो गया। सिंपली आपको यहाँ से ऐसे डन कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टी शर्ट कलर का कुछ इस प्रकार का हो गया, तिरंगे कलर का एडिटिंग हो गया।
सिंपली आपको फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार करने के बाद फिर से आपको ऐड फोटो पर जाना होगा, अपना PNG इसमें ऐड कर लेना होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा PNG, इन दोनों PNG को हम ऐड कर लेंगे। इस वाले PNG को फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे बड़ा करके रोटेट कर देना है, यहाँ से रोटेट कर देना है आपको, और कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देना है। और फिर से आपको रेजर आइकन पे क्लिक करके, रेजर आइकन पे क्लिक करके फ्रेंड्स इस वाले पार्ट्स को आपको इरेज कर लेना है। जैसे ये रहा, इरेज करके सिंपली आपको यहाँ से ऐसे डन कर देना होगा। फिर से इस वाले PNG को फ्रेंड्स इस बर्ड्स को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, इसको इस बर्ड्स को हम रोटेट कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेंगे, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिंपली आपको यहाँ से कर देना होगा डन। फिर से आपको ऐड फोटो पे जाना होगा, फिर से अपना PNG ऐड कर लेना होगा। ये रहा फ्रेंड्स PNG, साइड वाला PNG हम ऐड कर लेंगे। ये रहा फ्रेंड्स इस वाले PNG को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऐसे सेट कर देना होगा, थोड़ा और छोटा करके फ्रेंड्स। इस वाले PNG को नीचे साइड में ऐसे शैडो दे देना होगा आपको, ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना होगा, ब्लेंड वाला आइकन क्लिक करके आपको इसके मल्टीपल कर देना होगा। कुछ इस प्रकार आपको इफेक्ट दे देना है नीचे के साइड में, और इसका ओपेसिटी फ्रेंड्स आपको माइनस कर देना है, माइनस 68 रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको ऐसा डन कर देना होगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार का मॉडल इमेज हो गया, नीचे के साइड में ऐसा शैडो इफेक्ट आ गया आपको फ्रेंड्स। फिर से आपको ऐड फोटो पे जाना होगा और यहाँ पे PNG अपने ऐड कर लेना होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा PNG, ये रहा फ्रेंड्स, इसको ऐड कर लेना है आपको फ्रेंड्स। राइट रेड वाले PNG को आपको लेफ्ट साइड ऐसे ऐड कर लेना है, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। और इस वाले PNG को फ्रेंड्स आपको इस वाले PNG को फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऐसे राइट साइड ऐड कर लेना है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार ऐसे ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। इस वाले PNG को ऊपर हम ऊपर साइड ऐड से लेके चले जाएंगे, राइट साइड वाला PNG यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। फिर से इस वाले PNG को फ्रेंड्स आपको चेहरे पे ऐसे ऐड कर लेना है, फोटो को हल्का से आपको इसको छोटा करके फ्रेंड्स, इसका भी ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज कर देना है, तो ब्लेंड वाले में क्लिक करके मल्टीपल कर देना है, और कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे ऐसे ऐड कर देना है। सिंपली फ्रेंड्स ऐड करके यहाँ से आपको डन कर देना है। देख सकते हैं कितना ओसम से इफेक्ट आ गया। फिर से आपको ऐड फोटो पे जाना होगा फ्रेंड्स, आपको लास्ट PNG ऐड कर लेना है। ये रहा फ्रेंड्स हमारा PNG, इसको कुछ इस प्रकार यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेंगे। सिंपली आपको ऐड करके फ्रेंड्स यहाँ से ऐसे टर्न कर देना होगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आ गया। देखिए फ्रेंड्स फोटो कितना ओसम से एडिट हुआ है। तो हम लाइट का मैनेजमेंट कर लेंगे, तो टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना होगा आपको, यहाँ से एडजस्ट पर क्लिक करना होगा, और आपको ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देना होगा, 4 इंक्रीज कर देना होगा। कंट्रास्ट पे जाना होगा फ्रेंड्स, कंट्रास्ट भी आपको 5 कर देना होगा, 4 कर देना होगा। फिर ऐसे जाना है क्लियरिटी पे, क्लियरिटी भी आपको 6 कर देना होगा फ्रेंड्स। सैचुरेशन में जाना होगा, सैचुरेशन आपको 6 कर देना होगा। ह्यू को नहीं छेड़ना है, हाईलाइट्स पे जाना है आपको, हाईलाइट्स भी आपको 2 कर देना है, 2+ कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड जाना है साइड वाला आइकन पे, साइडो भी आपको इंक्रीज कर देना है, 10 के आसपास इंक्रीज कर देना है। उसके बाद जाना है फ्रेंड्स स्टेम पे, स्टेम भी आपको इंक्रीज कर देना है, स्टेम आपको 5 रख के सिंपली आपको यहाँ से ऐसे डन कर देना होगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा मॉडल में कुछ इस प्रकार का एडिट हुआ है, देख सकते हैं फोटो कितना ओसम से एडिट हुआ है फ्रेंड्स। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की थी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कुछ इसी प्रकार के लेटर आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।